हेलो बीजी। हाँ नमस्ते। हाँ हाँ आपका आशीर्वाद है। हाँ बीजी एक मिनट। हाँ आपका ये आम का और नींबू का अचार तैयार है। हाँ ठीक है, राजू पुत्र को भेज के मंगवा लेना। और बीजी ज्योति बिटवा को कहना कि मैंने आम के अचार में बहुत सारा प्यार डाला है। हाँ जी हाँ ठीक है। राधा ताई मेरी माँ है, वाकई अचार बेचना जानती हैं। कई साल पहले मैं नौकरी करने शहर चला आया। पहली सैलरी से माँ को फोन लेके दिया। बस उनका अचार अब इंडिया में वर्ल्ड फेमस हो गया है। नमस्ते राधा ताई। नमस्ते। एक औरत के लिए दूरियां और वक्त काफी मायने रखते हैं। रास्ते में कुत्ते और घर वालों के पेट में चूहे दौड़ने लगे इससे पहले घर लौटना पड़ता है। जी राधा ताई आइए आइए, बहुत दिन बाद आई हैं। जी ये अच्छा बीजी। हाँ। ये आपका अचार लाई हूँ। पहले तो इस मोहल्ले के कुछ घरों के लिए अचार डालती थी, मुश्किल से गुजारा चलता था। अच्छा बीजी चलते प्रीतु की समझदारी से ये नोकिया फोन हमारी जिंदगी में आया और सब कुछ बदल गया। इसके रहते अब पूरे शहर में मेरे ग्राहक बन गए हैं। राधा ताई कैसी है, आ गए अचार उनके? अच्छा। और अब तो होलसेल वालों के फोन आते हैं बड़े ऑर्डर के लिए। जहाँ मेरा प्रीतु रहता है उसके आजू बाजू के फ्लैट में भी अब मेरे आचार जाते हैं। अपनी बीजी की बेटी ज्योति है ना, एक नंबर की चटोरी। मेरा ही आचार चाट कर जाती थी जब पेट से थी। अब तो उसकी बेटी का फोन आने लगा है, कहती है लादताई इमली भेजना आचार के साथ। अच्छा टीवी यहां लगा। क्या बात है माँ, लगता है बिजनेस अच्छा चल रहा है। देख बदमाश कहीं का, जब ये मुझसे दूर होता है मैं फोन से बात करके अपना जी हल्का कर लेती हूँ, दूर होने का एहसास ही नहीं होता। अब मैं अपनी जिंदगी इस नोकिया बिना सोच भी नहीं सकती। थैंक यू बेटा। अरे भाई सारे चैनल लगा दिए आपने, देखें नोकिया, सपने देखना मत छोड़ो।